आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोग को जो आज क्वेश्चन दिया गया है, इट सेज दैट लेट अ टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो r इज इक्वल टू kr वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। टू चार्जेस a एंड b ऑफ -q ईच आर प्लेस्ड एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस a फ्रॉम सेंटर। इफ a एंड b डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन हम लोग को a को r के टर्म्स में निकालने के लिए दिया गया है। देखो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में दो केस बनेगा, ठीक है। एक बनेगा केस वन जो है कि स्फीयर है और जो चार्ज पार्टिकल्स है वो बाहर में है, ठीक है, ऐसे ए और बी, और ये डिस्टेंस है ए, ये भी डिस्टेंस है ए, और इसका रेडियस है आर। तो अभी देखो इस केस में क्या है, हम लोग का जो ए है यहाँ पे दिया गया है कि ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो क्या है, जो एफ ऑन ए ड्यू टू बी है मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑन ए ड्यू टू स्फीयर एस, ठीक है, ये स्फीयर एस ले लेते हैं। तो हम लोग का क्या आएगा, जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है वो क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का माइनस क्यू है और इसका चार्ज 2q है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्फीयर एस क्या है, 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अभी देखो इसमें क्या आ जाएगा, q square तो कैंसिल चला जाता है, पर यहाँ पे देखो ये 2 आ जाएगा, 4 से चला जाएगा, और ये 4 × 2² मतलब 16, तो 1/16 ε0 a² इज नॉट इक्वल टू 1/2 ε0 a², तो हम लोग इक्वल नहीं आ रहे, तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वल होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, जो कि कंडीशन दिया गया है। तो अभी देखो, अभी हम लोग को पता चला कि अंदर बाहर में तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं हो सकते, तो हम लोग का केस टू क्या होगा, तो केस टू है उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है वो अंदर में होगा और डिस्टेंस ए से, ठीक है, ए बी ये सेंटर है और ये रेडियस, टोटल रेडियस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे जो फोर्स ऑन ए निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इसका वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ है गॉसियन सरफेस। तो हम लोग गॉसियन सरफेस में क्या, बाय गॉस लॉ हम लोग को पता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ई डॉट डी ए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो छोटा सा डी ए एलिमेंटल एरिया है, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0° आएगा, तो ई डी ए हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गॉसियन सरफेस में पूरा कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा। सो ई इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू इन क्या है, रो डी वी, ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक हम लोग को इंटरनल चार्ज निकालना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लोग अभी लिख सकते हैं कि ई डी ए क्या है, हम लोग का 4π r² इज इक्वल टू रो क्या दिया गया, के आर, और डी वी क्या है, 4π r² डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 8 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4π 4π कैंसिल चला जाएगा, तो हम लोग का क्या आएगा, ई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, के आर टू डी पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल चला गया, ये आर स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया के आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो हम लोग को के निकालना है, ठीक है, के का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग के कैसे निकालेंगे, हम लोग डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से R तक, तब हम लोग को क्या मिलेगा, 0 से 2q, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज है हम लोग का 2q, तो इसको हम लोग करेंगे 2q इज इक्वल टू रो क्या है, के आर 4π r² डी आर इंटीग्रेशन 0 से R तक, तो हम लोग को क्या आएगा, के 4π r⁴/4 0 से R, ये आ गया 2q, तो 4 कैंसिल चला गया, तो क्यू हम लोग का आ गया, सॉरी हम लोग का के आ गया, के इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, r⁴, ठीक है, ये आ जाएगा
टू क्यू डिवाइडेड बाई आर टू डी पावर फोर, सॉरी पाई आर टू डी पावर फोर में पाई भी। अभी देखो इसको इसको अभी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मैग्नीट्यूड हम लोग को टू क्यू बाई पाई आर टू डी पावर फोर इंटू आर स्क्वायर बाई फोर एप्सिलॉन नॉट। तो ये टू टू कैंसिल चला गया तो ये हम लोग को मिल जाएगा क्यू आर स्क्वायर बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू डी पावर फोर, ठीक है, ये इंटरनल आ गया। तो अभी देखो जो हम लोग का फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है इट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू एस। अभी देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हम लोग ने पहले निकाल के रखा है, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2a होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्फीयर, क्या है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू द चार्ज क्यू, क्यू ही होता है, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। और देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है हम लोग को कहाँ पे निकालने हैं, रेडियस r इज इक्वल टू a पे, ठीक है, r इज इक्वल टू a पे ये लाई कर रहे हैं जो ये चार्ज है, ठीक है, तो उस पॉइंट में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट r टू डी पावर फोर, ठीक है, तो देखो पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल चला गया, क्यू स्क्वायर कैंसिल चला गया, तो हम लोग के पास क्या रह गया 1/ ये 4 इंटू टू 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 जो टू स्क्वायर फोर होता है तो 16 इज इक्वल टू और 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू आर टू डी पावर फोर, तो टू कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, तो हम लोग का आ गया, हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए टू डी पावर फोर 8 इज इक्वल टू आर टू डी पावर फोर, तो दोनों साइड्स को टू डी पावर वन तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू आर टू डी पावर फोर डिवाइड बाई एट टू डी पावर 1/4, तो ये हम लोग आंसर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एट टू डी पावर माइनस 1/4 आर, ठीक है, क्योंकि आर टू डी पावर फोर इंटू डी पावर 1/4 क्या हो जाएगा इंटू 1/4 फोर फोर कैंसिल चला जाएगा आर आ जाएगा एट टू डी पावर माइनस 1/4, तो ये हम लोग का आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं आप देखते हैं, ये मैच कर रहे तुम्हारा थर्ड ऑप्शन के साथ, तो हम लोग का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। थैंक यू सूरज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।